करनाल से कैथल को जोड़ने वाले पुल के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस चौड़ीकरण के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस मामले में उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए अब पुल के चौड़ीकरण के काम को रुकवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। करनाल को कैथल से जोड़ने वाले पुल का चौड़ीकरण का काम पीडब्ल्यूडी को दिया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी की ओर से पुल का काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के इस काम से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार विभाग के अधिकारियों से भी बात की, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और काम चालू रखा। इसके बाद लोगों ने करनाल उपायुक्त के पास पहुंचकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उपायुक्त ने मामला संज्ञान में लिया और तुरंत मौके का मुआयना किया और फिर से मैप तैयार कर काम शुरू करने की बात कही। जो फोर लेनिंग का काम चल रहा है और उसके बाद जो ब्रिज बना हुआ है, इसके साथ में टू लेन ब्रिज भी बनाया जाना है, उसके बारे में एक शिकायत मिली थी कि इसकी जो प्रपोजल है वो किसी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी। तो उस सिलसिले में आज हमने ये साइट देखी है और इसमें जो इन्होंने ऑलरेडी अप्रूव्ड मैप है उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू की थी। तो वो हमने एक्सीएन साहब से, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हैं, उनसे डिस्कस करके अभी के लिए कुछ समय के लिए काम रोक दिया है, जब तक दो तीन इंजीनियर्स की कमेटी बना करके उनकी रिपोर्ट ना ले ली जाए। अलग अलग सरकारों के राज के बीच अधिकारियों के बीच तालमेल ना बैठने के चलते कितना ही पैसा ऐसे बर्बाद कर दिया जाता है और फिर नई आई सरकार उस काम को दोबारा शुरू करवा देती है, जिसके चलते इसका नुकसान भी सरकारों को ही झेलना पड़ता है।